गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वंश मेरे साथ बैठा है क्योंकि वंश फ्री हो गए, वंश के एग्ज़ाम हो गए हैं। तो वंश हाय तो करो। हाय। वंश अब 9th में आ जाएगा, इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो ये अभी फ्री है। ब्रेकफास्ट हम सबका हो गया। आज हमने ब्रेकफास्ट में पराठे और अचार खाया था, वंश ने मैगी खाई है। और आर्यन स्कूल गया, साहिल कॉलेज गया, सो में अंदर पढ़ दिया क्योंकि उसके अब फाइनल एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ 10th के, बोर्ड है ना, तो वो अंदर पढ़ दिया क्योंकि अब गर्मी इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। कहीं जाने के लिए ना सोचना पड़ता है कि निकलने से पहले जाएं या नहीं जाएं, बहुत गर्मी हो गई है। अब वंश अकेला बोर हो रहा है क्योंकि इसकी मम्मी आज कहीं गई है, तो वंश बोर हो रहा है अकेला। तो चलिए, मैंने ना कुछ मंगाया था ऑनलाइन, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक मैंने ये रोटी कवर मंगाया है इस तरीके से। इसमें क्या है कि रोटी ना सूखती नहीं है और क्या कहते हैं ठंडी भी नहीं होगी। जैसे बच्चे फ़ोन वगैरह देखने में लगे रहते हैं कि खाना रखा रहता है, तो उससे क्या होगा, इसमें रोटी रख दो ना तो सॉफ्ट भी रहेंगी और सूखेंगी भी नहीं वो। तो ये अच्छा था। इसमें स्क्वायर भी आता पर मैंने राउंड में ही मंगाया ये, और ईजी वॉश हो जाता है क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो ये ईजी वॉश हो जाता है। तो कोई गेस्ट वगैरह आपके आते हैं, बड़ा वाला कैसरोल रखने की बजाय आप इसमें भी रख सकते हैं, तो ये अच्छा था। और एक मैंने सिलिकॉन की ये मैट मंगाई है, ये बेकिंग के लिए यूज़ होती है, पर मैंने इस मंगाई है क्योंकि स्लैब पे ना क्या वो चकला अगर रोटी बेलते हैं तो वो इधर उधर स्लिप करता है, तो उस पर नहीं बनाई जाती मेरे से। तो इसके लिए इसको नीचे डालकर ना इसके ऊपर बनाती हूँ मैं, तो ये भी अच्छी है। कुछ कट वगैरह करना है तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है ये। तो एक मैंने ये मंगाई थी, और एक मैंने मंगाया था ये फ्रिज मैट, इस तरीके के ना ये फ्रिज मैट। ये प्लास्टिक के हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी ना, ये मैंने 2 सेट मंगाए हैं तरीके से। तो ये मैं फ्रिज में, एक मैंने फ्रिज के लिए मंगाए हैं और एक मैंने डाइनिंग टेबल के लिए मंगाए थे, ये 2 सेट हैं। तो डाइनिंग टेबल पे तो मैंने लगा दिए हैं और ये फ्रिज के लिए मैंने मंगाए हैं, तो ये मेरे को फ्रिज में लगाने हैं अभी। क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, आप इनको किसी ड्रॉर्स वगैरह में भी लगा सकते हैं क्योंकि मोटा है ना तो इधर उधर खिसकेगा नहीं, आराम से वो जहाँ पे आप लगाएंगे वहीं पे ही रहेगा। तो ये मैंने 2 सेट मंगाए हैं, इसमें 3 आते हैं, 3 या 4 का सेट है ये। तो मैंने ये एक सेट, ये सॉरी 2 सेट मंगाए हैं मैंने, तो ये अच्छे रहते हैं। फ्रिज में क्या होता है कि गंदे नहीं होते, सब्जी वगैरह नहीं गिरती, अगर गिर भी जाती तो आप निकाल के इसको वॉश कर सकते हैं, नहीं तो फ्रिज बहुत गंदा हो जाता है, कुछ भी गिर जाता है ना अंदर। इनके लिए मैंने चाय बना दी, चाय हो गई है, देखिए फिर भून गई है, ज़्यादा नहीं भूनना नहीं तो ना वो कड़वा हो जाएगा। अभी इसको इसमें मैं टमाटर डाल रही थी, अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए ना टमाटर को मैं इसको ढक दूंगी थोड़ा सा सिम पे 2-3 सेकंड के लिए, तो ये क्या होगा इससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये पानी का साफ कर लेना, और इसमें मैं डालूंगी ये मटर, मटर छिलके ना इस तरीके से फ्रीजर में रख सकते हैं, और ये नेट के होते तो इसमें ख़राब भी नहीं होती है, तो इस तरीके से मटर छिलके ना फ्रीजर में रख लेते हैं, धो के छिलकर धोकर ये फ्रीजर में रखी हुई थी, तो ये धुल चुकी है पहले भी, तो मैं अभी देख लेती हूँ। इसके अंदर भी सॉफ्ट होने में, मटर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन अभी इसमें मैं थोड़ा ना सूप वाली बनाऊंगी इसको, तो इसमें पानी डलेगा तो बाकी उसमें हो जाएगी। अब मैं इसमें ये सोयाबीन में इसमें डाल दूंगी, ज़्यादा पानी अभी नहीं डालूंगी नहीं तो सोयाबीन में ना मसाला मिक्स नहीं होगा, इसको अच्छे से आपने पहले मिक्स कर लेना है।
देखिए इस तरीके से, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी क्योंकि पानी अभी नहीं डालूंगी, नहीं तो मसाला मिक्स नहीं होगा इसमें ना और इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको भी अभी मैं थोड़ा सा, इसमें से खुद पानी निकलेगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं पानी डालूंगी इसमें, जो मैंने सोयाबीन का पानी जिसमें भिगोया था ना वही डालूंगी मैं, और थोड़ा अगर मेरे को लगेगा तो वो मैं डालूंगी। तो ये सोयाबीन का ही पानी है जिसमें मैंने इसको सोक किया था। मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है और इसके बाद अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं। तो ये था आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।